गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का आपका काम है जीके का रिवीजन वर्क। ये आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है और ये करना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक व्हाट यू थिंक आर गुड हैबिट्स। आप जिन्हें गुड हैबिट्स सोचते हैं उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट है वेस्टिंग अ लिटल ऑफ योर फूड। क्या आपको खाना छोड़ना चाहिए, थोड़ा भी खाना छोड़ना चाहिए? अगर आप इसे गुड हैबिट समझते हैं तो आपको टिक लगाना है, अगर आप इसे बैड हैबिट समझते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड है बाथिंग वंस अ वीक। वीक में एक बार नहाना क्या गुड हैबिट है? थर्ड है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में दो बार ब्रश करना गुड हैबिट्स है या बैड हैबिट्स है, यह आपको टिक करना है। फोर्थ है यूज़ नेल कटर टू कट योर नेल्स। हमें हमेशा अपने नेल्स को कट करने के लिए नेल कटर का यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ है पैकिंग योर स्कूल बैग द नाइट बिफोर। अपना स्कूल बैग एक रात पहले पैक करना चाहिए। आप इसे गुड हैबिट समझते हैं तो आपको इस पर टिक करना है। सिक्स है वेकिंग अप एट लीस्ट एन आर बिफोर स्कूल स्टार्ट्स। आपको स्कूल जाने से, स्कूल स्टार्ट होने से एक घंटे पहले, वन आवर पहले उठना चाहिए। आप इसे गुड हैबिट समझते हैं तो आपको इस पर टिक करना है। सेवन है लाइंग ऑन बेड एंड स्टडी। बेड पर लेटकर पढ़ाई करना सही है। अगर आप इसे गुड हैबिट समझते हैं तो इस पर टिक करें, अगर आप इसे बैड हैबिट समझते हैं तो आपको इस पर कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए कॉलम बी, आपको इसमें मैचिंग करनी है। फर्स्ट है वी थिंक विद। हम जिस चीज़ से सोचते हैं वो क्या है, वो कौन सा बॉडी पार्ट है? फर्स्ट है वी थिंक विद, हम जिस चीज़ से सोचते हैं वो कौन सा बॉडी पार्ट है। तो आपको इस कॉलम बी में से देखना है, जिस जो भी आपको लगे आपको उस पर मैच करना है। जैसे फर्स्ट का है ब्रेन, हम अपने ब्रेन से सोचते हैं तो फर्स्ट को हम ब्रेन से मैच कर देंगे। सेकेंड है पंप ब्लड इन टू द बॉडी। जो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड को पंप करता है वो कौन करता है? हमारे ब्लड को पंप करने का काम होता है हार्ट का, तो ये हार्ट में पहुँच जाएगा। थर्ड है डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, जो हम खाते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम हमारे स्टमक करता है। फोर्थ है हेल्प अस टू ब्रीथ। जो हमें सांस लेने में, हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है वो है हमारे लंग्स। फिफ्थ है रिमूव वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी में से वेस्ट मैटर को रिमूव करता है वो है किडनीज। किडनीज हमारी बॉडी का वेस्ट जो भी होता है उसे रिमूव करती है। सिक्स है दे गिव शेप टू आर बॉडी। जो हमारी बॉडी को शेप देते हैं वो है बोन्स। बिना बोन्स के हमारी बॉडी स्ट्रेट खड़ी भी नहीं रह सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा बॉडी। थर्ड क्वेश्चन है राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आंसर आपको लिखने हैं। फर्स्ट है फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जो भी फूड हम प्लांट्स से लेते हैं उसका नाम लिखना है। फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। जो भी एनिमल्स से हम फूड लेते हैं उसका नाम लिखना है। थर्ड है एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं उसका नाम लिखना है। एनर्जी गिविंग फूड जो भी होते हैं उनके नेम लिखने हैं। फोर्थ है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो भी फूड से हमारी बॉडी बिल्ड होती है उनके नेम लिखने हैं। फिफ्थ है प्रोटेक्टिव फूड्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं जर्म से, डिसीज से, उनके नेम लिखने हैं। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये काम आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। थैंक यू।